आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ITC स्टॉक के बारे में, क्योंकि इसके नतीजे जो क्वार्टरली रिजल्ट थे Q4 के वो बहुत शानदार आते हुए दिखे हैं और उसके बाद स्टॉक ने अराउंड 6.25 रुपीज के डिविडेंड पर शेयर देने का ऐलान किया है, जो इसके फेस वैल्यू का अराउंड 625% का होता है। ओवरऑल ITC स्टॉक को लेकर के मेरा व्यू पर्सनली बुलिश है और काफी लंबे समय से मैंने आपको कहते आया है कि जब भी किसी स्टॉक में मोर देन 50% की कंटिन्यूअस बाइंग बिफोर अपकमिंग इवेंट और या फिर रिजल्ट के पहले हो, तो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। ओवरऑल FMCG सेक्टर इंडेक्स को आप देखेंगे तो इस समय 38,540 के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है और पर्सनली मेरा मानना है विद इन मैक्सिमम 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में ये 42,000 तक के लेवल को क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि ITC जो 280 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 268 का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा, तो अगेन आपको ITC 320-350 तक के लेवल विद इन मैक्सिमम 6 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। ह्यूजली कंसोलिडेट स्टॉक रहा है, बहुत स्लो स्टॉक रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अपोजिट द ट्रेंड, जहां मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी डाउन ट्रेंड है, वहीं ये अपोजिट द ट्रेंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है, सियोरली स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पोजीशन बनाए रखें, गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टॉक है और इस स्टॉक में 320 का पहला टारगेट विद इन मैक्सिमम 1 मंथ और 5 मंथ to 6 मंथ के ड्यूरेशन में यह स्टॉक 380-400 तक के लेवल को भी इजिली टच कर सकता है।